माफिया के साथियों से सुरक्षा की गुहार प्रयागराज। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता जियाउल हन ने मारपीट का आरोप लगाते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए दो लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी दबंग है, रंगदारी मामले में जेल जा चुके हैं। पीड़ित ने बताया कि इस घटना को लेकर कई बार थाना शाहगंज में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के लिए एक सब इंस्पेक्टर आए थे। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया है कि ऐसे अपराधी किस्म के लोगों को फौरन कार्रवाई करते हुए जेल में डाला जाए और उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए, ताकि उसे न्याय मिल सके और उसकी जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पीड़ित ने यह भी बताया कि आरोपी के पिता माफिया के लिए काम किया करते थे और आरोपी भी लगातार इसी बात को लेकर धमकी देते हैं कि माफिया को बनाने में उनके पिता का महत्वपूर्ण योगदान था। बहरहाल दबंगों से सुरक्षा की गुहार की है। कैसे गुंडे माफिया को जेल भेजने का काम किया जाए, गैंगस्टर लगा के इनकी संपत्ति जब्त की जाए। ये खुद कहते हैं कि मेरा बाप नस्सन ही अतीक अहमद को बनाने वाला है और ये जितनी प्रॉपर्टी है सब अतीक अहमद की बनाई हुई है, इनकी जांच की जाए। सब कुछ संपत्ति इनकी फर्जी है और ये सब सरकार को जब्त करना चाहिए। मेरा नाम जियाउल हक है। मैं मोदी मुस्त सहयोग काशी प्राण का माइनॉरिटी समान का पदाधिकारी हूं और मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। घर घर मैं सदस्य बना रहा हूं, इससे उनको बौखलाहट है। उस क्षेत्र में मैंने जो कार्यक्रम करा दिया था अतीक अहमद के गढ़ में, उस वजह से इनको बौखलाहट है। इस वजह से मुझको यहाँ से मार के भगाना चाहते हैं और मुझको धमकी दे रहे हैं, मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं।